आज उसके लिए आगे बर्फ जम चुका है भाई। शीशा देखो, शीशा तो हो गया, शीशा हो चुका है, ब्रेक नहीं लगेगा आपकी गाड़ी। आप इतना ही है ना आगे जाके। उठाओ 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 उठाओ। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी कितना बज रहा है मालूम है? 4 बज रहा है। अपने को निकलना था 3 बजे, फिर भी हम लोग लेट हैं। चलो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज का राइड बहुत टफ होने वाला है, ये 3 भी बहुत टफ हो गया यार। लास्ट वीडियो नहीं देखो तो देख लो भाई। मतलब हम लोग इधर रात को 2 बजे, मतलब मैं कल से ना सोया नहीं, 2 दिन हो चुका है मैं नहीं सोया अभी तक। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने सोया नहीं अभी तक। रोड इधर जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो, एकदम नैरो सा रोड है। सो ये देख सकते हो गाइस, मतलब हल्का सा जो बोले थे ना वो लाइट आ चुका है। बाइक उतना खास दिख नहीं रहा है क्योंकि उतना भी लाइट नहीं आया, लेकिन हाँ ये तो सही है कि अपना आँखों से ना पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, बहुत सही है। और इधर खाई है, अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। यस चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? तेंदुआ तेंदुआ उधर आज हमारे पूर्व पर है। गाइस वो देखो तेंदुआ चीता भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। वो भागा। हाँ कैमरा बंद दादा, कैमरा बंद मान रे। और एक बार एक नजदीक से फुटेज चाहिए। मैं ना जैसे भी ऑन किया था कैमरा कि एक एनमी था, बोला कि भाई मेरा वीडियो ले पीछे से, तो मैं वीडियो ले रहा था ना, तो देवाशीष भाई जल्दी से बुलाया, जल्दी आ जल्दी, ऊपर दिख रहा, ऊपर दिख रहा। मेरे को पता नहीं चला क्या है, जब इस तरीके से दिखा रहा ना तो मेरे को लगा कोई जानवर होगा जो शायद दिखता नहीं है हर टाइम, इसीलिए इसे दिखा रहा है। जैसे आया ना देखिए तेंदुआ है, मतलब चीता, फर्स्ट टाइम ओपनली देखा माउंटेन्स में। ओहो ये क्या सीन है भाई, तेरा मोटो क्रॉस भाई लोग। सो यस गाइस, ये फर्स्ट जो आप लोगों ने सीन देखा ना वो आगे वाला दिन था, और ये आज वाला दिन है, मतलब एक दिन बाद है। और ये हम लोग का सारा बाइक्स, ये बाइक्स 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 पूरा, ये देख लो आप लोग पहले। यस जिस तरीके का लाइनअप करके रखा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, कल हम लोग निकले थे जहाँ से, मतलब फर्स्ट वीडियो में जहाँ देखे थे हम लोग, कल निकले थे सच पास के लिए, सच पास होकर किल्लर जाना था, लेकिन समहाउ कल कुछ रैली था, दैट्स वाई रोड क्लोज था, मतलब पब्लिक के लिए रोड क्लोज था, तो सिर्फ उन लोगों के लिए रोड क्लोज था एंड ट्रांसपोर्ट खुला था। तो हम लोगों ने बहुत सारा कोशिश किया एंड इधर उधर करके टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए सच पास इधर से थोड़ा दूर है, मतलब अभी भी इधर से लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता है, कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। मतलब अगर खुला होता ना तो कल इजीली होके हम लोग किल्लर जा सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, इसीलिए इधर ही एक स्टे कर लिए थे हम लोग। और लास्ट नाइट नींद भी नहीं हुआ, तो अभी का प्लान क्या है ना, आज भी रोड क्लोज है सच पास का, बहुत मन था कि करने का सच एंड किल्लर, जंस का इंशाल्लाह हो जाएगा आगे शायद,
तो देखते हैं, वो रूट अलग है और सचिन किलर आज नहीं हो पाएगा। आज भी रोड क्लोज है, रोड खुलेगा कल, और कल बहुत तगड़ा बारिश हुआ था तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। सब खबर लेके रखा हुआ है, लेट्स सी क्या हो पाता है। मेरे बाइक में अभी तक क्लॉक हो चुका है ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर। तो 2200 किलोमीटर में ना एक दिन, सिर्फ एक ही दिन मैंने, मतलब जिस दिन निकले थे घर से उसी दिन, मतलब आदेश भाई के पास जब सर्विस में था बाइक पूरा, तो उसी दिन ना भाई पता नहीं यार क्या किया था बाइक में, क्या ल्यूब किया था। सीरियसली गाइस, मतलब अभी तक एक बार भी मैंने ल्यूब नहीं किया। 2200 किलोमीटर आराम से चला, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन बाइक चला है। जो कि थोड़ा सा भी, मतलब इससे जो चेन से साउंड आता है ना, खड़ 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 सूख जाने के बाद, कुछ साउंड नहीं। सीरियसली गाइस, आदेश दा बहुत ही हेल्प करता है मेरा। एंड मैं ना जैसे बोलता हूँ ना, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा कि क्या करना है नहीं करना है। भाई मेरे को सजेस्ट किया कि जो कर दिए ना, जाओ 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ये तो और भी चलता, कम से कम 2500 या 3000 आराम से चलता। लेकिन कल थोड़ा सा परसों बारिश बारिश हो गया था, तो ऑफ रोडिंग बारिश होने से ना ल्यूब ख़राब हो जाता है। फिर भी भाई कुछ पेस्ट वगैरह मारा था भाई, सीरियसली बहुत बढ़िया काम किया। और ये खूबसूरत वादियाँ देखो यार, ओहो पता नहीं यार पहाड़ियों से इसे क्या रिश्ता है, अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल मैन। जब भी आते हैं ना कोई खाली सा एकदम सुनसान जगह में अपना बाइक के साथ पहाड़ी में बैठे रहते हैं, सिर्फ देखना है चारों तरफ और कुछ नहीं, अलग ही सुकून मिलता है। मेरे को तो गूज़बम्स आते हैं, पता नहीं किस किस को आता है, लेकिन सीरियसली ये मेरा आते है। भाई ये जगह क्या खूबसूरत लग रहा है ना, पूरा पाइन पेड़ से भरा हुआ है, और अपना तीन भाई सामने है और दो भाई पीछे है। मैं थोड़ा सा पीछे का भाई के साथ था, अपना एनवी भाई के साथ, एनवी दादी वसी भाई के साथ, लेकिन वो लोग थोड़ा पीछे हो गया। जब लीन करने को मिलता है ना इतना टर्मैक रोड में, एकदम सही वाला रोड में, तो यार रोका नहीं जाता है अपने को, एकदम मज़ेदार लीन होता है। क्योंकि अपना उधर ना उतना लीन करने वाला जगह नहीं है। ओ माय गॉड क्या लग रहा है भाई। और पीछे ना रील्स फोटोज़ बहुत सारा लिए, आप लोग ज़रूर से एक बार इंस्टाग्राम फॉलो करना। चलो इधर भी एक लेते हैं। ओहो यस मैन, क्या फ्रेम है भाई, अल्टीमेट। तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है सच पास किलर के पहले, जितना तक बताया गया, नहीं पता आगे न्यू हुआ है या फिर कुछ। सो इधर से फ्यूल अप किया, फ्यूल मैंने कल फुल टैंक करके रखा था, फिर भी मैंने जितना तक मतलब खाली हुआ कर लिया, कि जितना ही होगा उतना ही ईजी है। नहीं तो कैरी किया है 10 लीटर, लेकिन इमरजेंसी में वो चाहिए। अगर है तो आपके पास, अगर चांस है, मौका है, तो आप उसको ले लो जितना भी हो सके। 200 का जाता है ना फुल टैंक, मतलब फुल रहता भी है, 200 खाली होता है, 200 डाल लो, वही 200 ही काम आएगा पहले, आगे जब फ्यूल नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो वाटरफॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मेरे को साइड से लेना पड़ेगा। इसे बहुत सारा वाटरफॉल मिलेगा, किलर में मिलेगा। यस बहुत ही अमेजिंग सा है, फुल ऑन एडवेंचर होने वाला है गाइस। आज कल परसों अभी 3-4-5 दिन तो फुल ऑन होगा, 4-5 दिन सॉरी, मतलब 6-7 वीडियो जो राइड होने वाला है, जो वीडियो आने वाला है ना फुल ऑन एडवेंचर, वो भी हायाबुसा लेके, समझ सकते हो, नेक्स्ट लेवल वाला एडवेंचर होगा। एंड जितना हो सके शेयर करना है, एंड मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, कुछ वीडियो अपलोड हो जाए ना उसके बाद ही मैं प्लेलिस्ट बना लूंगा। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake us. वो फ्लैग लेके पिक्चर लेना है, तो सारे बच्चे लोग थे, सबको लेना था, तो चलो कोई नहीं, सारे मजे से एकदम। तो चलो अभी और भी प्लानिंग में अभी और चेंजेस आ गया है, और पहाड़ी में ऐसे प्लानिंग चेंजेस होते रहता है, कोई अगर आप पास करते हो जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ऐसे फिर से चेंजेस आ गया। अभी 2 से 3 बजे तक हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है सच पास जा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि फिर से मौसम बदल गया है, तो फिर से बर्फ़ गिर सकता है। तो जो भाई लोग बर्फ मतलब क्लियर करता है ना, उन लोगों का बोलना है कि अभी फिर से बर्फ़ गिरेगा, तो फिर से कौन साफ करेगा, तो एक ही बार में वेट करते हैं थोड़ा सा 2-3 बजे तक, क्योंकि जो ये चेंजेस होता है ना, तो ये आपका 12 बजे से 3-4 बजे तक ही होता है, उसके बाद फिर से बारिश बंद हो जाता है। नहीं आज जाने नहीं देगा, बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। हाँ
आज अलाउड नहीं करेंगे। नहीं रैली अभी तक उधर है, एक्चुअली बर्फ बहुत ज्यादा है। आप लोग उधर ही है? अच्छा तो बोला कि अभी भी स्नोफॉल हो रही है। हाँ क्लियर नहीं हो रहा है इसीलिए। ओके थैंक यू। सो गाइस यस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फिर से खुल चुका है, लेट्स सी जा पाते हैं कि नहीं। फिर से ट्राई कर रहे हैं, हेलो हेलो, फिर से ट्राई कर रहे हैं सच पास का। कल से ट्राई हो रहा है, परसों से यस, बहुत भारी पड़ रहा है सच पास। अगर हो जाए ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। प्लानिंग कुछ और था, आज हम लोग इधर स्टे कर रहे थे, कल सुबह ट्राई करते थे, करने वाले थे, लेकिन सुने कि आज खुल गया है तो आज ही अटेम्प्ट करते हैं, नहीं होता है तो फिर कल सुबह अटेम्प्ट करेंगे। अगर कल सुबह भी नहीं होता है तो सच पास अपना तकदीर में इस टाइम नहीं है, लेट्स सी। ये जो पगड़ी में है ना भाई, हाँ ऑरेंज पगड़ी में चले। तो भाई ना पूरा डीटो एकदम सिद्धू भाई था जो, चलो ओके बाय। तो भाई से बातचीत भी हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं दूर से जब देखा ना तो मेरे को अचानक से याद आ रही यार ये तो पूरा डिक्टो दिखता है। चलो भाई को हम लोग खो दिए कुछ दिन पहले, तो अभी चलते हैं सच पास के लिए, सच का सामना करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, आज मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला था कि चलते सच का सामना करने को, लेकिन ना आके इधर पता चला कि बंद है, तो मैंने सोचा यार मेरे को कैप्शन डिलीट करना पड़ेगा क्या। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने कहा, अल्लाह बोला कि ठीक है जाओ तुम लोग आराम से करके आओ, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स सी। इधर से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है फिर भी। ओहो रुक गया था भाई, जो सीन मिला ना भाई लग रहा है कि कैमरा पूरा ऑन करके ही चले। अरे गिर गया और क्या किया जाएगा, कुछ कुछ लगा तो नहीं ना। तो ये ऑफ रोडिंग चालू हो चुका है, ये व्यू के साथ साथ ऑफ रोड, ये ऑफ रोड मेरा बहुत ज्यादा पड़ता है। ये ऑफ रोड ना एक चीज है, ये ऑफ रोडिंग एंड ये मतलब टफेस्ट पास जो सब है, एंड इतना ज़्यादा एडवेंचर भूसा लेके, ये चीज़ क्या है ना मेरे हिसाब से, अभी भी आज तो जस्ट शुरुआत है एडवेंचर का, अभी फुल ऑन बाकी है शुरुआत मतलब एडवेंचर। लेकिन क्या होता है ना, वो जब भी घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन जितना तक पेन रहता है हाथ में मेरा एक हफ्ता पेन रहता है सीरियसली, कोई छुपाने का कोई बात नहीं है, एंड कोई इसमें कुछ नहीं है कि नहीं मेरा पेन नहीं होता है, मेरा कुछ नहीं होता है, बहुत कम्फर्ट है भूसा, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा भाई। हाँ अदर कंपेयर करते हो तुम दूसरा बाइक से तो ठीक है, नहीं तो भाई इतना भारी बाइक को ना ऑफ रोडिंग करना समझ सकते हो, जो करता है एक ही जन समझेगा वो अपना GS पाजी है बस, और तो कोई समझ नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। ये देखो वही वही दोनों तरफ पत्थर, वो भी बड़ा बड़ा पत्थर है। ओह माय गॉड बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, अच्छा खासा बारिश हो रहा है अभी। यस पता नहीं यार साउंड आ रहा है कि नहीं, बहुत टाइम ना साउंड नहीं आता है, आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो म्यूजिक देकर डालना पड़ेगा, ये सीन मिस नहीं होना चाहिए, अगर ब्लॉक करते तो अच्छे लगते ज़्यादा। ओह डैम जैसा रोड जितना मतलब बदतर है ना भाई, उतना ही अच्छा व्यू है भाई। सामने और एक वाटरफॉल है, तीन वाटरफॉल टोटल देखने को मिल रहा है ये रोड पे, कम से कम 6-7 वाटरफॉल देखने को मिल रहा है, 4 तो पड़ा पड़ा देखने को मिल रहा है। ये रहा एक, इतना ज्यादा पावर लैग होता है ना, ये इतना पावरफुल बाइक है हायाबुसा,
ZX10R जितना भी स्पोर्ट्स बाइक है, इतना पावरफुल बाइक है, लेकिन ये सब ना ये पावर के लिए नहीं बना है। ये सब जो पावर के लिए बना है ना वो हाईवे पे, और पॉप जी खतरनाक भाई। तो रुकना बनता ही है। यस Gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. हाथ जमना चालू हो चुका है अभी। चलो, कुछ भाई नीचे है, कुछ भाई ऊपर है। अब लग रहा है मेरे को कि नज़दीक आ चुके हैं, बट किलोमीटर तो जितना बताया गया कि अभी भी 10-12 किलोमीटर बाकी है। पहाड़ियों में किलोमीटर पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीकी होता है लेकिन इतना ज़्यादा टर्न्स वगैरह होता है ना, घुमा घुमा के उठाता है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है। और पहाड़ी में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी आते आते 4 बज गए, लेकिन सामने स्ट्रीट में ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और भाई सामने का सीन देखो, ये जो देख रहे हो ना, और वो भी पत्थर कीचड़, इतना ज़्यादा स्कीड भी कर रहा है इसके साथ साथ। धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा धूप इधर भी आ जाओ यार। ओह क्या सीन है भाई। बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा इसमें। अभी जाके थोड़ा धूप आया यार, धूप चाहिए था। एनर्जी एनर्जी जादू। ये रहा सीन सामने का, और ये रहा मैं अभी इधर बैठ के ना चुप से एकदम आराम से मतलब फील लिया जा रहा है। कोई साउंड नहीं है, कुछ साउंड नहीं है। Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. और इधर चाय बन रहा है, ये इसका मजा अलग है। कार पे आओ, चाय वाय बनाओ, ये मजा है।
पास है ना तो ये पॉइंट तक तो आ चुके हैं। इधर से और 1.5 किलोमीटर करीब 2 किलोमीटर करीब बाकी है सच पास, पता नहीं आ जा पाएंगे। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है क्योंकि मेरा ना एक बार एक्सपीरियंस है बर्फ का, लेकिन सब भाई बोल रहा है चलते हैं। कल बर्फ फटेगा तो कल जा सकते हैं, आज नहीं हो पाएगा। मुश्किल है, आगे बर्फ जम चुका है भाई। सीसा देखो, सीसा तो हो गया, हो चुका है, ब्रेक नहीं लगेगा आपकी गाड़ी। आप उतराई है ना आगे जाके, नीचे उतराई। ये सोचो तूफान नहीं चल रहा, तूफान चलेगा काफी मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा, ठीक है ना। इससे आगे नहीं होगा, मेरे को पता था यार, वो जब लास्ट स्टॉप किया था ना उधर ही मेरे को पता था कि नहीं। मेरे को एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि बर्फ में कैसे क्या हो सकता है, वो भी भाई सुपर बाइक लेके। तो इधर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आ गए, बोला कि नहीं जा पाओगे, ऐसे बुलेट वगैरह नहीं जा पा रहा है, ये कहाँ से यार। चलो रिटर्न करो भाई, সিরিয়াস তোমরা সুপার বাইক নিয়ে যে এত দূর আসবে আমি ভাবতে পারিনি। আমি দূর থেকে হাঁটছি আর দেখছি আপনি বাইকও কো আগে আগে করো भैया, आगे मत जाओ ऐसे। नहीं जा रहे भाई, मत जाओ आगे, बहुत है बहुत है। আমরা হেঁটে হেঁটে কমপ্লিট করে চলো, আমরা চল কর গিয়ে থে সব। আমি এতটা এসি অনেক বিশাল, বহুত আছে, আমি মত যাও, কাল যাও, রাতই হয়ে যায় 7 বাজে। পিটি সেটআপ হয়ে গেছে আসপাস রাস্তা তো না রে। ওট 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 अरे जाहिती धोरची सी ना भाई, जाहिती धोरची सी ना भाई। सो गाइस यस, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं घर को। एंड सीरियसली गाइस, आज का तो राइड था ना, आइस पे तो राइड किए थे विंटर लद्दाख पे, लेकिन आइस पे जब राइड किए थे ना मतलब स्नो पे, तभी सोचे थे कि नहीं सुपर बाइक लेके ये कभी नहीं करना है एंड दोबारा ये राइड नहीं करना है आइस पे, क्योंकि जो आइस पे राइड किया होगा ना वही समझ सकता है कि कितना डरावना होता है, कितना इरिटेटिंग होता है और साथ साथ कितना तकलीफ भी होता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई अगर आइस पे मतलब स्नो पे राइड किए हो तो उसको पता है, नहीं किए हो तो कभी एक बार करके देखना, अगर आप राइड करना पसंद करते हो तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन यार आज सुपर बाइक ले के आइस पे राइड किया, वो भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर राइड किया, सच पास से 1 किलोमीटर भी हम लोग बाकी नहीं था, हम लोग पहुँच नहीं पाए। यस सीरियसली, हम लोग पहुँच नहीं पाए, जो सच पास लिखा हुआ रहता है वो पास से पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा आइस था और सब सुपर स्पोर्ट्स था, हाइपर स्पोर्ट्स था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाइक एक बार भी नहीं गिरा है, शुक्र अल्लाह। यस, तो मैं ये बोलते बोलते बहुत सारा है कि एक बार भी मेरा बाइक नहीं गिरा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा 7 साउंड है, लेकिन गिरा है बहुत सारों का। तो जो भी हो, राइड बहुत ही टफ था एंड मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपना ग्रुप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सच पास हम लोग अटेम्प किए ऐसा कंडीशन में, ऐसा वेदर कंडीशन में। यस, इसे वेदर कंडीशन में किया ना, ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो इजीली हो जाता, अगर बर्फ नहीं रहता तो ईजी था, हम लोग पूरा कवर कर चुके थे। सो लेट्स सी गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, एकदम मत भूलना सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है यार सीरियसली। मतलब अभी जाना है, एडिट करना है, अभी कितना बज रहा है ना ये देख लो, अभी बज रहा है 11:30। हम लोग होटल आए जस्ट डिनर करके, अभी एडिट करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है, नींद नहीं होता है भाई। एक ही दिन नींद हुआ था कल, 4 दिन में एक ही दिन नींद हुआ है, आज भी शायद नहीं होगा। सो लेट्स सी, प्यार बरसाते रहिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आप लोगों से, एंड इसी सपोर्ट करते रहिए, ऊपर वाले का सपोर्ट तो है ही हर टाइम। टेक केयर गाइस, बाय बाय।